सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेक्चर, द टॉपिक इज एलिमेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। तो एलिमेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी में वो कौन सा सिस्टम है जो होम्योस्टेसिस करवाएगा। यानी होम्योस्टेसिस का मतलब तो ये था कि मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, आपके इंटरनल बॉडी के एनवायरनमेंट को मेंटेन करना। लेकिन इस इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए कोई प्रोसेस मौजूद होगा, कोई सिस्टम मौजूद होगा। तो जो सिस्टम इस चीज़ को मेंटेन करता है, एंड द सिस्टम इज कॉल्ड फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम वो सिस्टम है हमारा जो क्या करवाता है, इस पूरे के पूरे बॉडी के निज़ाम को क्या करवाता है, मेंटेन करवाता है। ठीक है, सो फीडबैक सिस्टम क्या है, इसका नाम ही दो लफ्जों से मिलकर बना। फीड का मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर जो भी तब्दीलियाँ आ रही हैं, चेंजेस आ रही हैं, उनको क्या करना, अपने अंदर फीड करना, अपने अंदर उस चेंज को पकड़ना, और बैक यानी कि क्या करना, रिस्पॉन्स करना। सो फीडबैक सिस्टम असल में वो सिस्टम है जो चेंजेस को क्या करता है, रिसीव करता है और बैक देन रिस्पॉन्स करता है। अब रिस्पॉन्स पॉजिटिव भी जा सकता है, रिस्पॉन्स नेगेटिव भी जा सकता है, वो उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो ये लिखा हुआ बेटा डेफिनेशन में, द सिस्टम विच चेक एंड बैलेंस द इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट इज कॉल्ड फीडबैक सिस्टम। टाइप्स होते हैं बेटा फीडबैक सिस्टम की, दो टाइप होती हैं, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एंड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। बेटा इन दोनों को मैंने आगे जाकर एक्सप्लेन किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझ लेंगे कि फीडबैक सिस्टम काम कैसे करता है, पहले वो सीख लेते हैं, फिर हम इन दोनों को एक्सप्लेन करते नेक्स्ट मतलब कि आगे जाकर हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, वो देखेंगे किस तरह से एक्सप्लेन होते हैं। अच्छा, एक फीडबैक सिस्टम चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो क्या लाती हैं, इसकी कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक सिस्टम। एक बात याद रखिएगा बेटा कि जो फीडबैक सिस्टम है, जिस तरह से मैंने लिखा है, इस तरह से ही पेपर में आप लिख के आएंगे कि आपने पहले हेडिंग लगाई फीडबैक सिस्टम की, फिर हेडिंग लगाई टाइप्स की, फिर हेडिंग लगाई कंपोनेंट्स ऑफ द फीडबैक सिस्टम की, फिर उसके रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर, देन उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव को हम बयान कर देंगे। बेटा पेपर में आने वाला सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है, एक हमने पीछे पढ़ा था, एक सवाल पीछे क्या पढ़ा था, होम्योस्टेसिस एंड इट्स एस्पेक्ट्स, ये सवाल आता पेपर में, एक सवाल ये आता है फीडबैक सिस्टम का। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक सिस्टम यानी कि फीडबैक सिस्टम को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो बेटा उसको चलाने के लिए चाहिए हमारे पास रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। इफेक्टर बेटा नेक्स्ट पेज पर है। ठीक है, सो तो रिसेप्टर किसे कहते हैं बेटा, हर वो चीज़ रिसेप्टर है जो आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस को सेंस करे, मतलब आपकी बॉडी में अगर कोई भी तब्दीली आ जाए उसको सेंस करे। सेंस करने वाली चीज़ क्या कहलाती है बेटा, रिसेप्टर कहलाती है। तो ये रिसेप्टर सिर्फ सेंस नहीं करता, रिसेप्टर सेंस करने के बाद कंट्रोल सेंटर को मैसेज भेजता है, ताकि कंट्रोल सेंटर क्या करे बेटा, कोई अप्रोप्रिएट जवाब दे उस चेंज के खिलाफ, या उस चेंज के साथ जो भी करना है वो, उसका जवाब कौन देगा आपको, वो कंट्रोल सेंटर देगा। कंट्रोल सेंटर किसे कहते हैं बेटा, आपका ब्रेन यानी बॉडी का वो वाला हिस्सा जो रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करे, और कलेक्ट करने के बाद क्या करे, एक जवाब दे, और वो जवाब जो भी हो उस चेंज के लिहाज से, पॉजिटिव जवाब हो या फिर क्या हो, नेगेटिव जवाब हो, कोई भी जवाब हो, वो कंट्रोल सेंटर देता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा बेटा सिस्टम क्या है, सबसे पहले रिसेप्टर होता है, फिर क्या होता है, कंट्रोल सेंटर होता है, और उसके बाद कौन होता है, इफेक्टर। इफेक्टर किसे कहते हैं बेटा, ये समझ लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि बेटा कंट्रोल सेंटर जो भी चीज़ों को डिटेक्ट करेगा, जिस चेंज को भी डिटेक्ट करेगा, उस चेंज को डिटेक्ट करने के बाद इफेक्टर ऑर्गन को भेजेगा क्या, एक मैसेज कि जो भी काम आपकी बॉडी में करवाना है वो करवाने के लिए इफेक्टर ऑर्गन काम करेगा। यानी कि इसको इस तरह से समझते हैं कि कंट्रोल सेंटर हमारा क्या है, कंट्रोल सेंटर असल में हमारी बॉडी का प्रोसेसर है। प्रोसेसर का मतलब क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, कि रिसेप्टर से जो भी इन्फॉर्मेशन आई है वो कंट्रोल सेंटर उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद इफेक्टर ऑर्गन्स, अब इफेक्टर कोई भी ऑर्गन हो सकता है, लाइक अगर आपकी बॉडी के अंदर गर्मी लग रही है तो इस चेंज को कंट्रोल सेंटर डिटेक्ट करेगा और स्वेटिंग ग्लैंड को कहेगा भाई स्वेट निकालो, पसीना निकालो, तो इफेक्टर क्या बन गया, आपका पसीना बन गया। ऐसे ही अगर सपोज करो उसको सर्दी लगती है तो वो शिवरिंग करवाएगा, जो शिवरिंग करवाएगा तो इफेक्टर ऑर्गन कौन से बन गए, मसल्स बन गए। ऐसे आपकी बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, पेन हो रहा है, तो पेन को रिड्यूस करने के लिए जो चीज़ निकालनी होगी वो इफेक्टर निकालेगा, तो इफेक्टर कोई भी ऑर्गन हो सकता है, कोई फिक्स ऑर्गन नहीं होता। तो रिसेप्टर, देन रिसेप्टर से कौन रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशन को, कंट्रोल सेंटर, और कंट्रोल सेंटर से कौन रिसीव करेगा, इफेक्टर रिसीव करेगा। ठीक है, तो ये सीरीज हो गई, इस सब चीज़ों के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा बेटा, याद रखिएगा मैं इन सब चीज़ों के नोट्स आपको पीडीएफ फाइल में प्रोवाइड कर दूंगा, आप मेरे ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। ये है कि मैं इंशाल्लाह आप लोगों को अपने ग्रुप की लिंक भी सेंड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस ग्रुप में आप ऐड हो जाएं कि वहाँ पर सारे के सारे जो लेक्चर्स अपने के अभी आगे जाकर इंशाल्लाह केमिस्ट्री फिजिक्स पे भी काम करेंगे हम, उन सब के लेक्चर्स हम क्या करेंगे वहाँ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो और दूसरी बात ये कि एम डी केट का मटेरियल हम वहाँ बड़ा प्रोवाइड कर रहे हैं, और द ग्रुप इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, हम उसमें कोई चार्ज नहीं करते किसी एक रुपया भी। ठीक है, तो अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक दूँ ग्रुप्स के। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये कंट्रोल सेंटर के बाद इफेक्टर आ गया था, इफेक्टर की ये चीज़ आ गई है। ठीक है भाई,
सो नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम, जो कि मैंने आपको बताया था, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और एक होता है हमारे पास नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। बट पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का मतलब क्या होता है, बॉडी का वो निज़ाम, वो सिस्टम जो क्या करे, अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारी बॉडी में अगर कोई तब्दीली आए और हमारी बॉडी उस तब्दीली को मजीद बढ़ा दे, यानी हमारी बॉडी में कोई चेंज आया, हमारी बॉडी ने उस चेंज को मजीद बढ़ा दिया, इस फीडबैक सिस्टम को मैं क्या नाम देता हूँ, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। क्या नाम देता हूँ भाई, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। यानी सपोज करते हैं, देखिए हमारी बॉडी में अगर पेन होता है तो फीवर की पहले एग्जांपल देते हैं। हमारी बॉडी में जब फीवर होता है तो हमारी बॉडी, यानी बुखार होता है, तो हमारी बॉडी इस बुखार को और बढ़ाती है। क्यों? बुखार से फ़ायदा ये होता है बेटा कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी कोई बैक्टीरिया होता है उसको, क्योंकि ज़्यादातर बैक्टीरिया हीट से मर जाते हैं, तो हमारी बॉडी के बैक्टीरिया को मारने के लिए जो इम्यून सिस्टम हमारा है वो पायरोजिन निकलवाता है, वो पायरोजिन मैक्रोफेज से निकलते हैं। ठीक है बेटा, इम्यून सिस्टम में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा मैक्रोफेज क्या होते हैं। ठीक है, तो मैक्रोफेज अपने अंदर से निकालते हैं पायरोजिन। पायरोजिन इज अ केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, मैं लिख देता हूँ पायरोजिन। तो पायरोजिन केमिकल है जो बेटा जो जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है। आपको पता नहीं पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी क्या होती है, तो खैर याद रखिएगा, हमारे पास ये जो पायरोजिन है ये ब्रेन के अंदर हमारे एक पार्ट होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। सो द हाइपोथैलेमस के पास ये पायरोजिन जाता है और वहाँ से, क्योंकि हमारी बॉडी के सारा कंट्रोलर ब्रेन है, तो ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है, फीवर कॉज करवाता है। तो फीवर हमारी बॉडी में होता है किसके लिए होता है, बिकॉज बैक्टीरिया को मारने के लिए होता है, और बॉडी इस फीवर को मजीद बढ़ाती है। देखो फीवर हमारी बॉडी में एक चेंज है, यानी कि हमारी बॉडी में टेम्परेचर हाई हो रहा है, लेकिन बॉडी उस टेम्परेचर को मजीद और हाई कर रही है। इसका मतलब क्या है, सिस्टम कौन सा, पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होगा। ठीक है, तो द पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, इसके लिए याद रखना है आपने कि जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है हमेशा हमारी बॉडी के अंदर आने वाले चेंज को बढ़ाता है। जैसे बेटा आपके एक और एग्जांपल क्या है, लेबर पेन। लेबर पेन किसे कहते हैं बेटा, लेबर पेन ड्यूरिंग जो डिलीवरी होता है, यानी जब फीमेल अपने बच्चे को पैदा कर रही होती है उस टाइम एक पेन होता है उसको, यूट्रस वॉल की कॉन्ट्रेक्शन की वजह से, यूट्रस वॉल की कॉन्ट्रेक्शन की वजह से जो लेबर पेन होता है उस पेन की वजह से बच्चे की क्या होती है बेटा, विलादत होती है। सपोज करें अगर फीमेल को पेन हो ना तो बच्चा कभी निकाले ही ना, वो डिलीवर ही ना करे वो बच्चा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि लेबर पेन इज अ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। आप उस लेबर को पेन होता है किस वजह से बेटा, यूट्रस वॉल कॉन्ट्रैक्ट करती है, जब यूट्रस वॉल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो बच्चे को पुश करती है इनसाइड, नीचे की जानिब, और ताकि वो बच्चा पैदा हो सके। तो ये कॉन्ट्रेक्शन की वजह से क्या हो रहा होता है, वो है बच्चा अंदर मौजूद होता है, तो ये कॉन्ट्रेक्शन जब होती है तो फीमेल के एब्डोमिनल पेन होता है, सीवियर एब्डोमिनल पेन। अच्छा ये आपको मैं बता दूँ, ये जो पेन है ये 10 डिग्री का पेन होता है, यानी सबसे ज़्यादा सीवियर पेन होता है जो कि फीमेल बर्दाश्त कर देती है हमारे यहाँ की, एंड दैट इज़ द वेरी पेनफुल प्रोसेस। तो लेबर पेन हमारी बॉडी में एक तो पेन होना एक चेंज है, और इस चेंज को हमारी बॉडी मजीद बढ़ाती है ताकि बच्चे की डिलीवरी हो सके। तो लेबर पेन एंड फीवर बोथ आर द टाइप ऑफ पॉजिटिव फीडबैक रिस्पॉन्सेज। नाउ द नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी में अगर कोई चेंज आए और हमारी बॉडी उस चेंज के खिलाफ काम करे, यानी उस चेंज को ख़त्म कर दे, उस चेंज के खिलाफ काम करके, इस सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं भाई, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। जिसके बेटा आपने थोड़ी देर पहले मैंने स्वेटिंग की मिसाल दी थी कि हमारी बॉडी में जब कभी गर्मी लगती है स्वेटिंग हो जाती है, यानी उस चेंज को ख़त्म किया गया। बेटा गर्मी एक चेंज है और इस चेंज के खिलाफ बॉडी ने काम किया, इस बार पसीना लेके आया है ताकि ठंडा कर सके बॉडी को, तो ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होगा। मोस्ट ऑफ द बेटा हमारी बॉडी के अंदर 85% हमारी बॉडी के अंदर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम काम करता है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम बहुत कम है। ठीक है बेटा, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। तो बेटा यहाँ पर हमारा फीडबैक सिस्टम क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैम इसके जो अदर पार्ट्स है उसको डिस्कस करें डिटेल से। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।